जय गुरु। 10 अप्रैल 2016 को दीक्षा परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पटना में पूजनीय बाबाईदा द्वारा दिए हुए वक्तव्य का कुछ अंश आलोचना करेंगे। पूजनीय बाबाईदा बोले, मुझसे दीक्षा का कार्यक्रम ज़्यादा नहीं हो पाता था। यह बात मैं अंदर में महसूस करता था, तो हमने सभी सहकर्मियों का सहयोग लिया। सबको बोला, जहाँ आप लोग बोलिएगा हम वहाँ जाएंगे, और उस नगर में उस जगह में जो जो दादा लोग हैं वे लोग जाजन करेंगे, और वे जाजन करके दीक्षा के कार्यक्रम में सहयोग करेंगे और ऐसे ऐसे चलेंगे और वहाँ दीक्षा देंगे। हिंदी मेरी दुरुस्त नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ। यदि भाषा में कोई कमी हो गई तो आप लोग उसे संभाल लीजिएगा। मैं जो भी बोलूँगा यह बिल्कुल मेरी भावना है, इसको यदि ग्रहण करने लायक लगेगा तो ग्रहण कीजिएगा, और यदि एकदम ग्रहण करने लायक नहीं लगे तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थीजन जो विद्या अर्जन करते हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। विद्यार्थी जो है वे अभी ज़िंदगी के सबसे सुनहरे समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि वे अभी माँ बाप की छत्र छाया में है। ना छत की चिंता है, ना पेट की चिंता। अब इस वक्त आप लोग का एक ही कर्तव्य रहता है, ज़िंदगी के लिए विद्यार्जन। अपने ज़िंदगी के लिए विद्यार्जन, क्या विद्यार्जन जिससे बाद में अपना पेट चले, अपनी ज़िंदगी चले। कोई ऐसी एक विद्यार्जन के लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए आप लोगों का, एक है एकाग्रता और दूसरी है निष्ठा। एकाग्रता यानी जो आनंद से आती है, आनंद से अगर आपका विद्यार्जन चल रहा है तो आप एकाग्र हो जाएंगे, जिसे कंसेंट्रिक अंग्रेजी में बोलते हैं, और निष्ठा यानी एकदम एक में लगे रहना। ठाकुर जी बोलते हैं बंगला में, निशेष लगे थका, अर्थात एकदम लगे रहना, यानी जब तक कि फल का उदय नहीं हो तब तक लगे रहना। एकाग्रता और निष्ठा यदि विद्यार्थी के पास है तो वे आगे बढ़ सकते हैं। पूजा पाठ कलम छुआने से या जादू टोना से नहीं चलेगा, कारण यदि आगे बढ़ना है ज़िंदगी में विद्यार्जन करके तो यही दो चीज़ आप लोगों को चाहिए। आप नाच सीखना चाहते हैं, नाच सीखिए। गाना सीखना चाहते हैं, गाना सीखिए। खेलकूद सीखना चाहते हैं, खेलकूद सीखिए। कृषि कार्य, हाथ का कार्य, यदि पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं कीजिए। निष्ठा रखिए, कोई भी काम आप करना चाहते हैं कीजिए और आगे बढ़िए। यही दो चीज़ काफ़ी है। जय गुरु।